शहर के गैंगस्टर अबूर फिरोज खान की जमानत की अर्जी अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। कुछ ही दिन पूर्व गैंगस्टर के वकील ने कोर्ट को गुमराह कर जमानत प्राप्त की थी। कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने फैसले में बदलाव किया। सक्करदरा पुलिस ने 19 जनवरी 2019 को ड्रग्स प्रकरण में अबू को गिरफ्तार किया था। उस समय आरोपी ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अबू पर कुल 29 आपराधिक मामले दर्ज है। इसे देखते हुए दो बार सत्र न्यायालय और एक बार हाई कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी ठुकराई थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व सत्र न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई में आरोपी के वकीलों ने उसकी पृष्ठभूमि और कोर्ट के पुराने आदेश छिपाए, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली। बाद में कोर्ट के इस फैसले पर काफी विवाद हुआ। हाल ही में सरकारी पक्ष ने कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की विनती की। सरकारी वकील वसंत नरसापुरकर ने कोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों और जानकारियों को रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि यदि कोई पक्ष कोर्ट को गुमराह करता है या फिर स्वयं कोर्ट फैसला सुनाने में कोई गलती करता है तो कोर्ट को अपने फैसले में सुधार करने का अधिकार है। कोर्ट ने अबू की जमानत रद्द करते हुए उसे तुरंत समर्पण करने का आदेश दिया। अबू नावाचा एक आरोपी होता, ज्याला बेल मिळाली होती NDPS मध्ये, त्यामध्ये फॅक्ट्स ज्या होत्या त्या सप्रेस केलेल्या होत्या। कोर्टाच्या आम्ही NDPS टीमनं लक्षात आणून दिलं, कोर्टाने रिव्हिजन आम्ही दाखल केली होती, त्या रिव्हिजनवर माननीय कोर्टाने त्याची बेल रिजेक्ट केलेली आहे आणि ऑर्डरमध्ये त्याच्या विरोधात किंवा ज्या वकिलांनी अशा ह्या फॅक्ट्स आहेत त्या लपवलेल्या आहेत त्याच्यावरही भाष्य केलेलं आहे। ह्या आरोपीला ऑर्डरमध्ये सरेंडर व्हायसाठी सांगितलेलं आहे, सरेंडर लवकरात लवकर होईल अशी अपेक्षा आहे। नाही झाला तर कोर्टाचा अवमान म्हणून किंवा कोर्टाने जे आदेश दिलेला आहे त्या आदेशाचा अवमान म्हणून त्याच्यावर कारवाई करता येईल, पुढेही कारवाई करता येईल। तो लवकरात लवकर जर हजर नाही झाला होईल हजर, नाही झाला तर आम्ही भविष्यामध्ये मग कोर्टाकडूनच ऑर्डर करून माननीय कोर्टाकडून प्रोक्लेमेशन आणि परत जप्तीच्या वगैरे आम्ही कारवाई करू। अपेक्षा आहे की त्वरित तो माननीय न्यायालयाने जे ऑर्डर दिले त्या ऑर्डरनुसार जेल पास होईल, कोर्टला सरेंडर होईल। कोर्टानं माननीय कोर्टानं जी आदेश काढलेला आहे त्यामध्ये त्वरित सदर सरेंडर व्हावं म्हणून आदेश आहे, कालावधी असं काही दिलेलं नाही, त्वरित म्हणजे लगेच त्यांनी हजर व्हायला पाहिजे।